आपको स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ आप सैंपल है, आते ही क्वांटिटी निकल जाती है, बॉक्स डैमेज की वजह से इसका रेट कम हो गया। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये सारा एसी का स्टॉक है। हाँ, ये गीजर हीटर्स वगैरह का स्टॉक है जी। ये देखो आगे बहुत बड़ा वेयर हाउस है। कितने एरिया में होगा ये वेयर हाउस? ये हमारा 45,000 स्क्वायर फीट का, तो जो कवर्ड है 24 इंच से शुरू होके 86 इंच तक की वैरायटी अभी रेडीली स्टॉक में हमारे पास है। और सर देखो ये सील, पूरा सील्ड हो रखा है, देखो जी थर्माकोल तक लगा हुआ है। सर एमआरपी वाला हीटर है जैसे, तो अराउंड हम है वाटर प्योरीफायर, ये तो शिबा का वाटर प्योरीफायर है। आगे बॉश के, ये बॉश का डिश वॉशर है जैसे आप देख सकते हैं, लगे हुए हैं एकदम ब्रांड न्यू है। तो जी ये देखिए क्या बात, इस तरह से वॉशिंग मशीन में मिल जाती है। यमुनानगर हाईवे, यहाँ से आप यू टर्न लोगे, आगे आपको सामने हेलिको का बोर्ड दिख जाएगा, और आप जैसे आगे जाएंगे ये बिल्कुल फन सिटी के साथ है एडजॉइनिंग। अच्छा, फन सिटी के एकदम साथ है जी। ये देखो यहाँ से भी आपको बोर्ड दिख जाएगा, एरो जा रही है, आप सीधा वेयर हाउस पे पहुंच जाओगे। सामने एंट्री करते ही ये पूरे वेयर हाउस में आ रहे हैं हम, आप जैसे कि देख रहे थे, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लोड होती हैं। और ये देखो यहाँ से हमारा सारा सामान पैक हो के और यहाँ से निकलता है। ये देखो ये पूरा इनका वेयर हाउस है, और यहाँ से देखो सारा सामान जा रहा है। ये देखो ये पूरा वेयर हाउस है, बहुत ही बड़ा वेयर हाउस है जैसे कि आप देख रहे हो। तो हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल लेके आया हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हो मैं बहुत ही बड़े वेयर हाउस में आया हूँ, जहाँ पे आपको सारा अमेजोन फ्लिपकार्ट का ओपन बॉक्स इन्वेंट्री मिल जाएगी, आपको सारी वेरायटी मिल जाएगी, फ्रिज मिल जाएंगे, एसी मिल जाएंगे, एलईडी टीवी मिल जाएंगे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। ये दोनों चीजों में डील करते हैं, होलसेल में भी रिटेल में भी। अगर एक बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हो, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, चाहो तो रिटेल में भी इनके आउटलेट्स हैं, रिटेल में भी ले सकते हो। आज की जो वीडियो होने वाली है, सारे इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इवन आपको आईटी के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे 80-90% ऑफ। तो आज बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, अगर आप एक बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हो, इनके पास इतनी सारी इन्वेंट्री है आप देख के दंग रह जाओगे। एसी मिल जाएंगे यहाँ पे, टीवी मिल जाएंगे, फ्रिज मिल जाएंगे, वाटर कूलर मिल जाएंगे, हीटर मिल जाएंगे, ऑयल हीटर मिल जाएंगे, यहाँ पे हेडफोन्स, एयरपोड्स, बहुत सारी आईटी एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी। सारा वेयर हाउस का ओवरव्यू दूंगा और सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आती रहे। तो चलिए सर से सारी जानकारी लेते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो मेरे साथ है सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हेलो, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, क्या क्या प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं? जी हमारा जो पंचकुला बेस्ड हमारा बिजनेस है बेसिकली एमाफ्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है हमारा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वर्लपूल, तोशिबा, हिटैची, एलजी वगैरह सारे ब्रांड से इनका लिक्विडेशन का जो भी मटेरियल निकलता है उसका बिजनेस है। ओके, तो लार्ज अप्लायंसेस का मेजर हमारा रहता है, फ्रिज, एसी, टीवी, एलईडी वगैरह। ओके, और ये सारी कैटेगरीज। सर अगर बात करी जाए मार्केट रेट से कितना ऑफ मिल जाता है, मतलब एक शोरूम में जाने से और एक आपसे लेने में क्या फायदा होगा? हाँ, शोरूम से अगर रिटेल की बात करें जो हमारे डीलर सेल करते हैं या हम अपने रिटेल्स में जो भी इन्वेंटरी सेल करते हैं, तो मार्केट से हमारा 15-20% डिस्काउंटेड रहता है। डिस्काउंटेड रहता है, यस। ओके, और सारा कंपनी सेकंड का होता है? सेकंड्स नहीं बोल सकते जी, ये ओपन बॉक्स कॉन्सेप्ट है, ओपन बॉक्स होता है, मटेरियल फ्रेश रहता है, सेकंड्स नहीं होता। अच्छा, फ्रेश होता है, कोई भी सेकंड का नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, और सारा अमेज़न फ्लिपकार्ट की जितनी भी इन्वेंट्री होती है, एजिंग स्टॉक होता है, यस, वो सर के पास होता है। हाँ, तो चलिए सर शुरू करते हैं और थोड़ा वॉक अराउंड देते हैं सबको और सारी चीजें दिखाते हैं। आइए प्लीज। तो सर सबसे पहले क्या दिखाने वाले हो? मैं आपको फ्रिजेस की रेंज से शुरू करता हूँ, आप देखिए ये सारे 20-50 फ्रिज यहाँ पे डिस्प्ले पे लगे हुए हैं, एकदम ब्रांड न्यू है। तो जी ये देखिए क्या बात है, ये कोई भी सेकंड्स का कोई मटेरियल नहीं होता, यूज कुछ भी नहीं होता, सारा फ्रेश होता है। आप देखिए कुछ भी देखिए मटेरियल यहाँ पे जो भी है, क्या बात है। ये देखो इस तरह के आपको मिल जाएंगे, हर लीटर भी मिल जाएगा। हाँ, सारे साइजेस हैं जी, 70-80 लीटर से लेके ये हमारे पास 500-700-800 लीटर तक की रेंज सारी रहती है। सर अगर बात करें ब्रांड की, कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं फ्रिज में? सर सारी ब्रांड जो भी ऑनलाइन इन्वेंट्री बिकती है, एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, तोशिबा, हायर, हिटैची, सब कुछ होता है। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ ये देखो। हाँ प्लीज। और सर जैसे ये ऑनलाइन रेट आ रहा है इसका, उससे कितना परसेंट डिस्काउंट में होगा ये? सर अगर रिटेल की बात करें तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 15-20% 30,000 इसका ऑनलाइन प्राइस है, तो रिटेल में ये अराउंड 23-24,000 का सेल। और सर अगर बात करी जाए होलसेल में, कोई अगर आपसे होलसेल में लेके बिजनेस की शुरुआत करता है, उनको तो रिटेल से ज्यादा ही ऑफ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, होलसेल में आप मान के चले कि 15-20% मार्जिन इजीली आ जाती है। अच्छा, उनको मिल जाएंगे? यस। क्या बात है, बाकी देख रहे हो बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं आपको, ये तो एक नॉर्मल सी रेंज है। सर अब कई लोगों के दिमाग में रहेगा कि इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं, सर क्या रीजन है? रीजन तो बस वही रहता है जी, इनका जो भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट कस्टमर के ऑर्डर को कैंसिल हो जाते हैं, कोई ट्रांजिट डैमेज हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कहीं ना कहीं हल्का मोटा कोई स्क्रैच आ जाता है। ये देखो स्क्रैच पड़े हुए हैं। हाँ, ये हल्के से, तो इस तरह से
या फिर इसका कोई थोड़ा बहुत एजिंग का कि 6-8 महीने पुरानी इन्वेंट्री हो जाती है, उसके अलावा रहता है कि कस्टमर ने ले लिया, 7 दिन की कस्टमर रिटर्न पॉलिसी थी, 10 दिन की रिटर्न कर दिया, तो ये जो ऑनलाइन कंपनियां दोबारा सेलिंग पे नहीं आती, इस मटेरियल को सारा हमें लिक्विडेट कर देते हैं, हम सारा बल्क में उठा लेते हैं और उसके प्राइसेस मार्केट के कंपैरेटिवली नीचे चले जाते हैं। और सर एक चीज और पूछनी है, कई लोगों के दिमाग में यही रहेगा कि इनकी वारंटी गारंटी भी होती है कुछ? हाँ, ये विद सीरियल नंबर रहता है, विद वारंटी गारंटी रहता है, 10-20% आइटम्स में कोई दिक्कत आती है वो रिटेलर अपने एंड से कस्टमर को पूरी सर्विस वारंटी देती है। बाकी मैं दिखाया था इनका, ये सिर्फ डिस्प्ले लगा हुआ है, अभी पूरा वेयर हाउस दिखाने वाला हूं आपको, ये देखो इनका पूरा वेयर हाउस है, ये कुछ डिस्प्ले में प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहले ये कवर कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से वॉशिंग मशीन में मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, ये सारी ब्रांड न्यू मशीन्स हैं, रेट भी लिखा हुआ है, टोटल क्वांटिटी, हाँ ये सारा होलसेल का होने वाला है। जी 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 जी, ये देखो यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, तो एमआरपी मेंशन है इसमें, मतलब ठीक ठाक डिस्काउंट हम जो है हमारे डीलर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये फ्रंट लोड की है, देख रहे हो 43,790 की 11 क्वांटिटी मिनिमम। अच्छा, ये लेनी पड़ेगी या क्वांटिटी है? नहीं नहीं, ये क्वांटिटी है सच जो अभी यहाँ डिस्प्ले पे लगी हुई है। अच्छा, डिस्प्ले पे लगी हुई है, ये देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्वेंटरी है, कोई भी मशीन आप खोलेंगे ये अभी तक सील भी इसकी ओपन नहीं हुई है, बिल्कुल ये इन्वेंटरी है। और जैसे कि ये जो रेट लिखे हुए हैं सर इसके ऊपर, ये इसके डीपी या एमआरपी लिखे हुए हैं, उसमें फर्दर जो डिस्काउंट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं क्या बात है, देखो एकदम फ्रेश आर्टिकल है जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखो बॉश के ये सारे, उसका सेमी मशीन्स की ये फ्रेश इन्वेंटरी है बिल्कुल, आप देखिए ये देखो क्या बात है, ये देखो रिटेल होलसेल दोनों में डील करते हैं, बाकी सारी 7-7.5 किलो की मशीन 6200-6300 से शुरू हो जाती है सेमी मशीन। ये रिटेल की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, होलसेल की बात कर रहा हूं, जो मार्केट में इन जनरल डीलर्स को 8,500-9,000 रुपए की मिलती है। ये देखिए ये सारी इन्वेंटरी, सिंगल डोर फ्रिज है, जो ये तो एकदम फ्रेश आर्टिकल लग, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्वेंटरी है जी, इसमें तो बिल्कुल स्क्रैच भी नहीं होगा जी। ये देखो क्या बात है, इसका अगर मार्केट प्राइस आप बात करें इस मॉडल का, तो 12-13 हज़ार रुपए का मॉडल ये मार्केट में रहता है, डीलर्स को हम 9,000 से भी मतलब नीचे प्राइस में उनकी क्वांटिटी के हिसाब से देते हैं। क्या बात ये है, सारी इन्वेंटरी। और अगर आप इनके रिटेल काउंटर पे भी जाओगे तो ज्यादा 1,000-2,000 रुपए का ही फर्क आएगा। हाँ जी, हाँ जी, मार्केट से तो काफी गैप रहता है। बहुत बढ़िया। और मैं देख रहा हूँ सर होम थिएटर्स वगैरह भी होते हैं? हाँ, होम थिएटर की काफी रेंज आती है, अभी तो यहाँ पे डिस्प्ले लगा नहीं हुआ है, सैंपल लगा रखे हैं, ये सैंपल्स हैं। और क्या चीज है ये सर? है वाटर प्योरीफायर, ये तो शिबा का वाटर प्योरीफायर है, 15,000 रुपए का ये आर्टिकल है, एमआरपी जो इसके मार्केट रेट इसका 8,000-9,000 के बीच में होगा। ओके, डीलर्स को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये 4,000 का प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ 4,000 रुपीस जी, बिल्कुल सील न्यू ब्रांड न्यू मटेरियल, बहुत ही बढ़िया। और मैं देख रहा हूँ काफी इन्वेंटरी यहाँ पे, इन पे हीटर्स भी हैं, हीटर्स की भी बहुत सारी रेंज दिखाने वाला हूं। ये ऑयल हीटर्स हैं, 25,000 एमआरपी वाला हीटर है जैसे, तो अराउंड हम 6,000-6,500 की रेंज में डीलर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, आराम से आप 7-8,000 रुपए का बेच भी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, 1,000-2,000 रुपए का मार्जिन इजीली आ जाता है। मैं देख रहा हूँ बड़े फ्रिज भी आपके पास? हाँ, बड़े साइड बाय साइड फ्रिज में पूरी रेंज है जी हमारे पास। इन्वर्टर फ्रिज आ गए यहाँ पे जी, ये देखो ये फ्रिज जो है हम डीलर्स को क्वांटिटी में अगर कोई बाय करता है तो साइड बाय साइड फ्रिज है, मार्केट में 50,000 से कम रेट किसी भी साइड बाय साइड का नहीं है, ये हम 35,500 का प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, आप एमआरपी पे भी डिस्काउंट दोगे तब भी आप बेनिफिट में रहोगे। यस यस यस, एग्जैक्टली, आपको हर चीज सारी टेक्नोलॉजी में मिल जाएगी सारी। ये देख रहे हो लेटेस्ट सारे, देखो ये सील, पूरा सील्ड हो रखा है, देखो थर्माकोल तक लगा हुआ है, इस तरह की आपको एक तो क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। और सर अगर जैसे मैं डीलर हूँ तो मैं मिक्स करके ले सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि इतनी क्वांटिटी? नहीं नहीं, 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 डीलर्स के लिए हम ओपन है, वेरी ओपन है कि आप मिक्स करके थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री, अगर छोटे डीलर्स भी हैं तो हम सपोर्टिंग रहते हैं। तो सर चलिए थोड़ा सा देखते हैं उसका ओवरव्यू, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो ये सारा इनका एलईडी का सेक्शन भी है, यहाँ पे सारे एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी मिल जाएंगे आपको, क्या बात है। देखो पैनासोनिक का स्टॉक लगा हुआ है पूरा, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है कोटेक का। और बात करी जाए सर एलईडी टीवी में कितने इंच से शुरू हो जाएंगे? एलईडी सर आप मान के चले 20-22-24 इंच से शुरू होके 86 इंच तक की वैरायटी अभी रेडीली स्टॉक में हमारे पास है। और सर अगर बात करी जाए इनमें कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं? इनमें सारी ब्रांड जो ऑनलाइन बिकते हैं जी, चाहे एलजी, सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक, बाकी देख रहे हैं काफी केविन, यस सारा। तो ये तो अभी अंदर भी और पड़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ आप सैंपल है, आते ही क्वांटिटी निकल जाती है। हाँ जी, आती रहती है, आती रहती है रेगुलर, आप देख रहे हैं बाहर भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माल जैसे आता है वैसे निकलता है। सर एक चीज और पूछनी है मुझे, इस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा हमें? सर एलईडीज पे आप मान के चलिए जो भी ऑनलाइन प्राइस रहता है ऑनलाइन से काफी अच्छे डिस्काउंट पे
मतलब हमारे डीलर आगे रिटेल में बेच सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अगर ओपन कर देंगे तो आप बेच नहीं पाओगे। हाँ। बाकी सर से जुड़ोगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। यस यस यस। बाकी सर ट्रांसपोर्ट वगैरह तो करा देते होंगे? हाँ, सारा कुछ मैनेजेबल है जी, सब कुछ हो जाता है, ऑल इंडिया में हमारा मटेरियल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। और मैं देख रहा हूँ ये सेक्शन जो हमने आरओ दिखाई दे, आरओ का है? हाँ, आरओ बिल्कुल सील्ड न्यू पैक आरओ है जो मैं आपको बता रहा था, कंपनी सील्ड है और ये प्राइस आपको मतलब कहीं भी ढूंढने पे नहीं मिलेगा। क्या बात है, देख रहे हो पूरा पूरा स्टॉक लग रखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि दो पीस हो चार पीस हो, ये सारे तोशिबा की इन्वेंट्री है, वर्लपूल की इन्वेंट्री आप देख सकते हैं। ये देखो ये सारी ये सील पैक रेफ्रिजरेटर जैसे आप कई आप सीधा ब्रांड से भी उठा लेते होंगे? हाँ, ब्रांड से भी लेते हैं, ये हमारे अलग अलग ब्रांड से टाई अप है। ओके, तो वहाँ से भी हम मटेरियल सोर्स करते रहते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आगे आपको। ये देखो आगे बहुत बड़ा वेयर हाउस है, कितने एरिया में होगा ये वेयर हाउस? ये हमारा 45,000 स्क्वायर फीट का तो जो कवर्ड एरिया है। Okay. वैसे 3 एकड़ की ये टोटल प्रॉपर्टी है। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में बात करें इस समय कितने होंगे यहाँ पे नंबर्स में? क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? क्वांटिटी में सर, क्वांटिटी एक्चुअली इनवर्ड आउटवर्ड डेली चलता रहता है, 10,000 20,000 इससे ज्यादा ही होंगे मुझे लगा, 25,000-30,000 तो मिनिमम होंगे, वो भी सारे बड़े आइटम। ये देखिए ये कैल्विनेटर का फ्रिज है, ये बिल्कुल मतलब हल्का फुल्का इसका बॉक्स डैमेज है, बॉक्स डैमेज की वजह से इसका रेट कम हो गया। मटेरियल बिल्कुल ब्रांड न्यू है, 2021 का माल है ये, ये देख सकते हो मैं दिखा देता हूँ आपको बिल्कुल। ये देखो 2021 का है ये पूरा, और आपको ये मिल जाएगा, ये पूरा स्टॉक लगा हुआ है, स्टॉक की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, देख रहे हो आप। ये सारे रेफ्रिजरेटर सर ये कितने लीटर के होंगे? ये सर मिक्स मटेरियल है, इसमें 252 लीटर का माल भी है और सिंगल डोर 190 लीटर भी है, 272 लीटर भी है, इस तरह से सारे मिक्स इन्वेंटरी है। क्या बात है, और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे ऑयल हीटर्स का भी बहुत सारा स्टॉक है, आगे दिखाऊंगा। हाँ, एक तो यहाँ पे भी लगा हुआ और सामने भी बहुत सारा लगा हुआ है। हाँ, ऑयल हीटर काफी है जी, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे भी एलईडी आ गए सर दोबारा? हाँ, एलईडी वगैरह आगे भी काफी लगी हुई है। अच्छा जी, मतलब एलईडी काफी एलईडी? हाँ जी हाँ जी। ये क्या चीज है सर? ये गीजर हीटर्स वगैरह का स्टॉक है जी। और सर अगर बात करिए गीजर कितने से शुरू हो जाते हैं? सर गीजर अगर बात करें 3 लीटर गीजर 1700-1800 से रेंज शुरू हो जाती शुरू है, हो जाती है। इंस्टेंट गीजर जो होता है, बाकी 15 लीटर का गीजर अच्छी क्वालिटी में ग्लास लाइन में 2500-3000 से शुरू हो जाएगा, और वही मार्केट में 4-5 मार्केट में मतलब 1000-1500 रुपए उससे ऊपर ही रहता है। बहुत बढ़िया, और देख रहे हो पैकिंग भी हो रही है यहाँ पे, कई लोगों का सामान भी निकल रहा है। हाँ, काफी यहाँ पे भी देखो एलईडी का काफी स्टॉक है। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सारे देखो फ्रिज लगे हुए हैं, सारे पूरा लाइन में पूरा माल लगा हुआ है, देख रहे हो पूरा फ्रिज की रेंज है यहाँ पे सारी। हाँ जी, क्या बात है। और सर ये बगल में क्या है ये चीजें? सर ये सारे डिशवॉशर्स का स्टॉक है, इसमें सारे ब्रांड। यस, ये देखो ये सारा डिशवॉशर में बॉश, वोल्टास, बेको और आपका वर्लपूल, आईएफबी, फेबर। मैं देख रहा हूँ काफी बॉक्स डैमेज की वजह से ही सस्ता हो गया। हाँ जी हाँ जी, सिर्फ बॉक्स डैमेज होने से आपको बिल्कुल हल्का मोटा कहीं डेंट है और उस वजह से। एसी भी है सर? हाँ जी, एसीज में काफी रेंज, आप आगे आएंगे मैं दिखाता हूँ आपको एसीज की रेंज। ये देखो एसी हमारे पास दो तरह का रहता है। दिखाने से पहले मैं एक बार ये वाला स्टॉक दिखा देता हूँ, ये देखो ऑयल हीटर का। ये देखो स्टॉक ही स्टॉक लगा हुआ है, ये पूरा ऑयल हीटर है पीछे तक। यार हम 2000 पीस होगा ऑयल हीटर का जी यहाँ पे, 2000 पीस जो रेडीली अवेलेबल है मेरे पास। क्या बात है। और मैं देख रहा हूँ सर ये क्या चीज है? ये चिमनी है सर, चिमनीज भी मिल जाती है, चिमनी सारी 2-3 फुट वाली चिमनी, सारे ब्रांड्स आप देखेंगे आगे। ओके, तो सारे ब्रांड्स चिमनी में मिल जाएंगे जी, आगे काफी स्टॉक लगा की वजह से आपको सस्ता मिल रहा है यहाँ पे बॉक्स की वजह से। यूरोडोमो हो गया, फेबर हो गया, क्या बात है, एलिका, सारे ब्रांड्स आगे काफी स्टॉक लगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, काफी लंबा बड़ा वेयर हाउस है, आप आओगे काफी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये सारा एसी का स्टॉक है। हाँ, एसी में हमारे पास दो तरह की इन्वेंटरी रहती है, एक ओपन बॉक्स रहती है, एक हमारे पास फ्रेश में भी डील्स आती रहती है। फ्रेश में भी डील्स आती है? फ्रेश में मतलब कंपैरेटिवली मार्केट के 2-3-4 हजार पे आपको कम मिल जाता है जो डीलर्स को, ब्लू स्टार। और ये सारी ओपन बॉक्स इन्वेंटरी है, इसमें हल्के मोटे स्क्रैचेस भी रहते हैं या ओपन बॉक्स में फ्रेश माल भी रहता है, तो इसका भी कंपैरेटिवली वही डीलर्स के लिए ठीक डिस्काउंट हमारे पास मिल जाता है। मतलब इसमें कितना परसेंट हो जाएगा सर? सर अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल में वही हमारे डीलर भाई 10-15-18% लेस पे आराम से बेच सकते हैं और उनको अच्छे मार्जिन उस रेट में आ जाते हैं। रेट में देखिए वीडियो में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि आगे उनको भी सेलिंग में दिक्कत आती है। और बाकी ये सारी इन्वेंटरी की शुरुआत करोगे ये सामान तो वैसे ही ऐसे बिक जाता है। यस, आप एक बार डिस्काउंट दोगे और वारंटी वैसी दे रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वारंटी कंपनी से रहती है, इनकेस कंपनी से वारंटी नहीं मिलती तो डीलर्स खुद एंटरटेन करते हैं, वो हम जो भी मटेरियल देते हैं उसका हम सारी उनको क्लैरिटी देके बेचते हैं यहाँ पे कि इस मटेरियल पे वारंटी है और इस मटेरियल पे वारंटी नहीं है, या इस मटेरियल पे सीरियल नंबर है लेकिन वारंटी के चांसेस कितने परसेंट है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारी हम ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके बेचते हैं। क्या बात है, ये सारा एसीज का स्टॉक है जी, आप देख सकते हैं ये भी सारे, ये इधर सारे फ्रेश एसीज लगे हुए हैं। क्या बात है, देखो एसी का पूरा स्टॉक लगा हुआ है यहाँ पे सारा, ये देखो कितना बड़ा वेयर हाउस है इनका। पीछे से दिखाता हूँ सर ये क्या एरिया है।
यहाँ भी इन्वेंट्री ही मेंटेन की हुई है जी हमने, यहाँ पे सारा कूलर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। कूलर का स्टॉक है सारा? बिल्कुल सारा एंड तक भरा हुआ है, करीबन 12-1300 कूलर मेरे पास रेडीली अवेलेबल है अभी। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ये सारा कैल्विनेट का जो आपको बता रहा था, बॉक्स डैमेज लेकिन मटेरियल फ्रेश है, बॉक्स डैमेज्ड मटेरियल है, बस देखो। जी जी जी, उसी वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है और आप अच्छे रेट पे बेच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये आगे देखो, ये देखो पूरा, ये पीछे सारा चिमनी का स्टॉक भरा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, सारे ब्रांड्स की चिमनीज यहाँ पे भरी हुई है, ये देखो। तो जैसे जैसे ऑर्डर आते निकलती रहती है। क्या बात है, बाकी सारी क्वालिटी चेक वगैरह सब करते हैं? सब कुछ क्वालिटी चेक का भी रहता है जी, और एज इट इज मटेरियल लेने वाले बंदे भी हमारे पास आते हैं, तो क्वालिटी चेक का यहाँ पे सारा हमारा क्वालिटी कंट्रोल है। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल है। अभी लंच ब्रेक मशीन इवन चेक हो रही है, देखो सारी। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी तक लगा के वॉशिंग मशीन चेक होती हैं, वो एज पर हमारे डीलर की जो रिक्वायरमेंट रहती है कि किस लेवल तक उनको वर्किंग चाहिए, तो उस लेवल तक हम वर्किंग करवा के देते हैं। ये सारा एलईडी का आप स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पे, सारा एलईडी ऊपर तक। हाँ जी, एलईडी भी काफी है इनका, अभी अंडर क्यूसी है, इसमें से ब्रेकेज भी निकलती है और सही भी निकलती है। सर कई लोग ऐसे डील करते हैं कि कोई क्यूसी के साथ बेचता है, कोई विदाउट क्यूसी, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे भी है? हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि डीलर जैसे हमारे से रिक्वायरमेंट रखते हैं कि उनको वो कहते हैं कि हमें डिस्काउंट ज्यादा दे दो, विदाउट क्यूसी दे दो, हम आगे देख लेंगे, ऐसा भी हो जाएगा? वैसा भी रहता। क्या बात है, बाकी आप बंद गाड़ियां एज इट इज भी पलटी जाती हैं, और अगर बंदे कहते हैं कि हमें खोल के ही पूरा पीस माल चेक करके लेना है तो थोड़े बहुत रेट्स का डिफरेंस आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्वेंटरी है, बिल्कुल कैल्विनेटर। हाँ सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे ये फ्रिज है, हाँ इसका पूरा बॉक्स डैमेज हो गया, हाँ जी, इसके बाद सेलिंग कैसे करेंगे? सर वो एक्चुअली देखिए, कस्टमर को भी कहीं ना कहीं हम डिस्काउंट तो देते ही हैं। लेट्स सपोज अगर ये मॉडल मार्केट में 12,000 का बिक रहा है, हम एंड यूजर को 10,000 का बेच रहे हैं, तो उसको क्लैरिटी तो देनी पड़ती है कि ये तो समझ गया कि वो तो कस्टमर को दे देंगे, बट जैसे ट्रांसपोर्टेशन में वगैरह वो हम करवा के देते हैं। हमारे पास सारा यहाँ पे सब कुछ आप देखेंगे, पैकेजिंग का ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास सॉल्यूशन है, तो प्रॉपर पैक करके ये देखिए माल जा रहा है, तो ऐसे लोड होके जा रहा है जी, ये पूरा ट्रक यहाँ से लोड होके जाता है, देखो। तो उसकी स्टैकिंग प्रॉपर करते हैं हमारे बंदे, अगर कोई इन केस बॉक्स नहीं है तो उसको गत्ता वगैरह रैप करके पैकिंग करके। यस यस, बहुत ही बढ़िया। बाकी देख रहे हो बहुत ही बड़ा वेयरहाउस है इनका। हाँ, और काफी आइए मैं आगे भी दिखाता हूँ, हमारे और भी सेक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ से और भी सेक्शन है? हाँ, एलईडी का मेन सेक्शन हम आपको दिखाता हूँ अभी। सर ये कौन सा सेक्शन है? ये हमारा एलईडी का सेक्शन है, जैसे एलईडी हमारे पास उतरती है यहाँ पे लग जाती है, और हमारी टेक्निकल टीम है कि एलईडी खोल के उसकी ब्रेकेज से लेके लाइन लोड वगैरह चेक करके देन ये मटेरियल यहाँ से आगे सेलिंग के लिए। देखो पूरा स्टॉक रूम है ये भी, और यहाँ ये पूरा इनका एरिया है, ये देखो ये पूरा इनका एरिया है, यहाँ से सारा स्टॉक, ये गाड़ियाँ इधर भी उधर भी लोड हो रही हैं, ये माल प्रॉपर तरीके से पैक होके जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो सर वैरायटी तो बहुत सारी है आपके पास, सारी तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मैं एक एक चीज दिखा पाऊँ। बिल्कुल, बट किसी को जुड़ना हो तो कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी किसी की? सर देखिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमने नहीं रखा कि इतनी इन्वेस्टमेंट है या कम ज्यादा, जो छोटे दुकानदार भी हैं हमारे, मतलब वो आ सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि 2-3 लाख, जिसने भी मतलब कोई थोड़ा बहुत शुरू करना है, हम हर एक बंदे के लिए सपोर्टिव है, प्राइसेस से लेके सारी नॉलेज सारी गाइडेंस यहाँ पे उनको मिलेगी। अगर किसी भाई ने नया काम भी शुरू करना है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है मेरे स्टाफ का, आप एनी टाइम उस नंबर पे कोई भी क्वेरी है आपकी, कुछ आपने नॉलेज लेनी है, गाइडेंस लेनी है, या मेरे वेयर हाउस में विजिट करना है, तो हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, एनी टाइम आप आइए, वेलकम है। आपने मटेरियल परचेज करना है या नहीं करना है, डजंट मैटर, आप आइए, आपके लिए हर तरीके की सपोर्ट यहाँ पे रहेगी। बाकी एक चीज और पूछूंगा मैं सर, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी? हाँ, ऑल ओवर इंडिया हमारा जाते ही, हमारा गुजरात बेल्ट में काफी माल जाता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में हमारा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिलीवरी हो जाती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स के ऑर्डर कितना है, कितनी क्वांटिटी से है। हाँ वो सारा वो हम टर्म्स पहले ही क्लियर कर देते हैं कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे उनको बेयर करनी पड़ेगी या किस तरीके से रहेगा, किस इन्वेंटरी। अब कई लोग रिटेल के लिए भी वीडियो देख रहे होंगे, तो रिटेल के लिए कोई आउटलेट है जहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं? हमारी लिको के नाम से ब्रांड चेन है जी, हमारा चंडीगढ़ बेस्ड है, हम जैसे तो पंचकुला में, चंडीगढ़ में, खरड़, पटियाला, लुधियाना वगैरह में हमारी काफी जगह भी ब्रांचेस है लिको के नाम पे। और होलसेल के लिए कहाँ पर आना होगा सर? सर होलसेल के लिए हमारा जो मेन वेयर हाउस है यमुनानगर हाईवे पे है, पंचकुला में, और फन सिटी के बिल्कुल एडजॉइनिंग है, जैसे वीडियो में हमने आते हुए दिखाया था रूट, तो फन सिटी के बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारा ये वेयर हाउस यहाँ पे। और बाकी किसी ने आना हो तो सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे इनके स्टाफ का नंबर आ रहा है सर। कोई टाइमिंग वगैरह कुछ से दिन छुट्टी? जनरली हमारा वेयर हाउस मंडे को ऑफ रहता है यहाँ पंचकुला में, जैसे भी कल्चर है, और बाकी सुबह 10:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक वेयर हाउस हमारा ओपन रहता है। बाकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा कुछ दे रखा है। और सर बहुत सारी कैटेगरीज में डील करते हैं, आप उनसे सारा संपर्क। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा आपको कि
ये तो हमने मेजर जो हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं लार्ज अप्लायंसेस में. इसके अलावा हमारे पास अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से होम की इन्वेंट्री हो गई, स्पोर्ट्स की इन्वेंट्री हो गई, गार्डन वगैरह की इन्वेंट्री होगी, आईटी की इन्वेंट्री होगी, अभी स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए वगैरह सब कुछ, ऐसी इन्वेंट्रीज भी आती रहती है, मिल जाएगा, मतलब सारा स्टॉक मिल जाएगा, बड़े अप्लायंसेस भी और स्मॉल भी. बिल्कुल जी बिल्कुल. बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू.